हेलो गाइस, भारतीय राज्य झारखंड में कई खूबसूरत खूबसूरत पर्यटन स्थल है, आप लोग तो जानते ही हैं और देखे भी होंगे। उन्हीं में से एक है रांची का जगन्नाथ मंदिर, जहां आज हम आप लोगों को लेकर के जा रहे हैं अपने साथ में। 17वीं शताब्दी का जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुर की पहाड़ी पर स्थित है। यह रांची से 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पर स्थित है। इसे बड़कागढ़ जगन्नाथपुर मंदिर रियासत के ठाकुर अनिनाथ सहदेव ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। इस मंदिर की वास्तुकला शिल्प बनावट पुरी के जगन्नाथ मंदिर से मिलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले नमस्ते, जोहार और प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं और आज हम लोग आ चुके हैं जगन्नाथ मंदिर, जो बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए अंदर में जाएंगे, दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसा है। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, बहुत लोग आए हुए हैं। अभी शादी सीज़न भी है, बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी है और यहाँ पे कार पार्किंग के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइन लगा हुआ है। तो लेट नहीं करते हैं और चलते हैं फटाफट से अंदर और चलिए दिखाएंगे अंदर में कि क्या क्या है अंदर में। प्रणाम कीजिए। यही से पार्टी खाली करते हैं हम। बहुत ही गंगा में हाथ धो लेते हैं। मुख्य द्वार बंद है। अंदर चलते हैं। चलिए विमलेश्वरी देवी मंदिर, तो ये अभी सारा बंद हो गया है। हाँ, इधर से इसमें देख लेते पीछे से। उठ गई भी उठ गई तो गाइस चेरी भी उठ गई है। यहाँ पे भगवान की मंदिर, यहाँ पे भी लगता है चेरी का नाम कर रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, पता नहीं वहाँ पे पार्टी चल रहा है। वहाँ पे खा के चले क्या? कहाँ पे खाना है? वहाँ पार्टी करा, वहाँ पे खा के चले क्या? यहाँ भी नहीं, नहीं वहाँ भी खा के चलते हैं हम लोग। नहीं तो गाइस, वहाँ पे यहाँ से सीधे दिख रहा है स्टेडियम, अभी मैच भी चल रहा है। वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा क्राउड है और इधर शादी वगैरह है तो साउंड बज रहा है। और ये तालाब यहाँ गाना बज रहा है, जहाँ पे गाना बज रहा, पता नहीं हम लोग को वही पे जाना है या पता नहीं, लग तो रहा है कि वही पे जाना है हम लोग। हो सकता है ना, शायद नहीं 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 वो अलग है। मामा लोग आएंगे तो पता चलेगा, कोई बात नहीं। बाद में मामा लोग आएंगे तो पता चलेगा वही जाना है कि कहीं हम लोग और भी जाना है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे चले घूम लेते गाइस। यहाँ पर हर साल जून और जुलाई के महीने में पूरी की तरह ही रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर पूरे भारत से हजारों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण सन 1991 में ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने के द्वारा करवाया गया था, जो क्रिसमस के दिन पूरा हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा में स्थित जगन्नाथ मंदिर की दूरी रांची के रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर
हवाई अड्डे से 5 किलोमीटर और काटाटोली बस स्टैंड से 11.5 किलोमीटर है। जगन्नाथ मंदिर की पहाड़ी से पूरे रांची का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है और पर्यटक इसे अपने कैमरे में कैद करने से रोक नहीं पाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में उड़ीसा की पूरी की तरह प्रति वर्ष रथ यात्रा का धूमधाम से यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। नमो नमो कर दो बेटू, भगवान जी को नमो नमो कर दो। चेरी नमो नमो कर रही है, चेरी भी नमो नमो कर रही है ना, हाथ जोड़ी हुई है बेटू, गुड गर्ल। अच्छा उधर से उतरने का है, यहां से उतरने का है तो हम लोग इधर से ही नीचे एक राउंड लगा करके इधर से उतरने का। क्या जी, दुल्हन भी है वहाँ पे तैयार होकर, पार्टी एंजॉय कर लेते हैं। यहाँ दुल्हन भी बैठी हुई है तैयार होकर के। यहाँ पे एक साथ ढेर सारा शादी हो रहा है। हाँ अभी लगन है तो बहुत ज्यादा शादी है, नहीं है तो क्राउड इसलिए बहुत ज्यादा है। हम लोग भी सोच रहे कहीं बैठ के खा ले, हम लोग भी बहती गंगा में हाथ धो ले सोच रहे हैं। पतरी भात मिल रहा था वहाँ। तो गाइस मंदिर हम लोग घूम लिए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर एंट्री साइड से। हम लोग पहले घुसे थे पीछे साइड से, अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे साइड से। मम्मी भी आ रही है धीरे धीरे, पता ही नहीं चलता है। हाँ खुजली करने वाला, खुजली करने वाला मिल रहा है। आपको ज्यादा खुजली होता है, आप खरीद लीजिए खुजली करने वाला। तो इधर है खुजली करने वाला। तो हम लोग मंदिर घूम लिए हैं और इनको लगा है जोरों शोरों से भूख, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलेगा तो हम लोग खाएंगे। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा ही शादी है। जिधर देखो उधर दूल्हा दुल्हन लोग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग खाने वाला देखते हैं और यहाँ का नजारा देखिए गाइस। ये है मंदिर, इधर है मम्मी, शेरी खेल रही है इधर। फालतू बात ना है, घूमे ही नहीं। लेना है बेटू, अभी नहीं खेलेगी, खेलेगी तब लेंगे। हो गया, नाखूनी मार के फोड़ दीजिए। इडली खाना है इनको। अच्छा इडली लग गया है भोग खाने के लिए, भोग खाने के लिए इडली लग गया है भैया, चले गए भोग खाने के। उनको भी तो पेट भराना है। यहाँ पे शूज भी रखेंगे ना, तो यहाँ पे शूज चोरी हो जाएगा, क्यों जानते हैं? क्योंकि आंटी सो रही है। शूज चोरी होने का बहुत ही ज्यादा चांस है। सॉरी, पता चलेगा साइड से कोई उड़ा के ले गया है शूज को। गाइस तो यहाँ पे मंदिर जाने से पहले जूता चप्पल खोल के जाना होता है, तो यहाँ पे रखने के लिए दिया हुआ है। और जो देखने वाली जो आंटी है ना, वो सो रही वो है, सो रही है। अगर अगर कोई जूता चप्पल चोरी हो गया ना, तो उनको तो बहुत ही डांट मिलने वाला है, क्योंकि वो टोकन लेके साथ पैसा भी लेती है ना, तो उसको डांट बहुत ज्यादा ही मिलेगा उनको, क्योंकि वो जूता चप्पल देख नहीं रही है, वो आराम से बैठ करके सो रही है। और यहाँ पे देखिए इनको लगा है भूख, इनको खाना था इडली, और इडली वाले भैया चले भूख खाने के लिए चले गए। इनका पेट में धुआं फूल रहा है, अब कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। हम भी जा रहे तब लंगर खाने के लिए गाइस, तो चलिए आप लोग लंगर खाने। तो ये देखिए भैया आ गए हैं और इनको खाना इडली देख देख के थे, आ गए हैं खाने के लिए। 20 वाला बनाइए पहले, एक एक पहले बनाइए, टेस्ट करेंगे फिर। फुल गारंटी है बोल रहे हैं भैया, फुल गारंटी दे रहे हैं। दो बनवा लेते हैं ना। हाँ ठीक है, होटल वाले से नहीं, होटल वाले से आप लोग ज्यादा टेस्टी लगता है। इनको देख के मुँह में पानी आ रहा होगा। आता है ना 500-100 से कम नहीं देता है। खाइए, खा के थोड़ा सा दिखाइए, बताइए कैसा बना है भैया, कैसा बना दिए हैं, कैसा है टेस्ट है। तो गाइस आप लोग मंदिर आएंगे तो भैया का न्यू इंडियन हॉट स्वीट्स
वाला इडली जरूर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी है। जैसे वो बताए कि बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, हम वो खुद ही बोले और सच में बहुत ही टेस्टी है। ये लोग को देखिए, रुके नहीं जा रहे, बस खाए जा रहे हैं। और मम्मी को भी देखिए, मम्मी को बहुत ज्यादा ही भूख लगा, मेरे से भी ज्यादा। बहुत ज्यादा भूख लगा है, मम्मी भी पूरा खड़े खड़े एकदम दे रही है, एकदम घप घप खाले जा रही है। कैसा बना मम्मी? बहुत टेस्टी। तो गाइस, हम लोग घूम लिए मंदिर, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और धूप में तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, कैमरा में हमको देख भी नहीं पा रहे हम तो ठीक से। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।